आँखों के बाद अगर सबसे मैं कहता हूँ नियामत वाली चीज़ जो हाथ होते हैं, जो सबकी दुआओं के लिए उठते हैं, ऐसे हाथों में अगर नाखून थोड़े से ना चमके, ना अच्छे लगें, तो एक मन में हीन भावना रहती है। तो जैसा मैं कहता हूँ, मेरे साथ आप जैसे खूबसूरत अच्छे दिल के लोग जुड़े हैं, तो आपका हाथ दुआ के लिए उठता है मुझे पता है, आपके नाखून भी चमके, इसके लिए हम आपके लिए या हेयर वाइटनर का घरेलू नुस्खा जो कि 2 रुपए से कम में तैयार हो जाएगा, 1 रुपए से कम में तैयार हो जाएगा, वह आपके बीच लाए हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे नाखूनों को चमकाने की। कहते हैं कि सबसे नियामत वाली चीज आँख होती है, और आँख के बाद ये हाथ होते हैं जो किसी के लिए दुआओं के लिए उठते हैं, किसी के लिए आशीर्वाद के लिए उठते हैं। लेकिन इसमें जो आपके नाखून होते हैं, कभी कभी ये पीले और भद्दे हो जाते हैं और आप इससे इरिटेट हो जाती हैं। नेल पॉलिश लगाती हैं, तमाम तरह के कंसीलर लगाती हैं, लेकिन मन में एक गांठ जरूर रह जाती है कि मेरे हाथों में ये कमी है कि मेरे नाखून नहीं चमकते हैं, नेल्स नहीं चमकते। आज हम साथियों आपको बताएंगे 1 रुपए से भी कम में तैयार होने वाला अचूक घरेलू नुस्खा जो 15 दिन के अंदर आपके नाखूनों को चमकाने में समर्थ है। यह नुस्खा 40 सेकेंड में तैयार होगा और 15 दिन के अंदर आपको लाभ देगा, आपके हाथ के नखूनों को, पैर के नखूनों को चमका देगा। खासतौर से जो पैर के नेल्स होते हैं, फुट के नेल्स होते हैं, उसकी हम लोग केयर नहीं कर पाते। तो अगर आप ये नुस्खा करेंगे तो वहाँ भी जो बहुत ही डस्ट और तमाम पॉल्यूशंस को हमारा सबसे ज़्यादा पैर ही झेलता है, क्योंकि वहाँ ज़मीन पर रहता है, तो उस डस्ट को हटाने में और आपके नेल्स को चमकाने में यह नुस्खा मील का पत्थर साबित हो सकता है। और बहुत ही आसान नुस्खा है साथियों, और मैं बहुत ही आसान शब्दों में तत्काल आपको बताता हूँ। आपको इसके लिए साथियों कुछ नहीं करना है, आपको आधे नींबू का रस ले लेना है, हो गया 50 पैसे का। और इसमें आपको नींबू का रस यानी लेमन का, फ्रेश लेमन का जूस, हाफ लेमन आपको कट करके उसका हाफ लेमन का जूस आपको ले लेना है, और उसमें आपको आधा चम्मच कॉमन टेबल सॉल्ट डाल देना है, छोटा वाला आधा चम्मच आपको हाफ टी स्पून टेबल सॉल्ट डाल देना है। दोनों इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिला लेना है, नमक को और नींबू को, दोनों को आपस में आपको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके आपको नाखून पे लगा के 5 मिनट तक रब करना है, 5 मिनट्स आपको रब करना है, और उसके बाद आपको नाखून धो लेने हैं। एक बार के अंदर साथियों, 15 दिन तो मैं बोला हूँ, लेकिन एक बार के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा और आपके नाखून वाइट होने लगेंगे, नेल वाइटनर का काम करने लगेगा, प्राकृतिक नेल वाइटनर का काम करने लगेगा, और आपके हाथ की जो एक छोटी सी कमी है, मुझे पता है कि मेरे जो दर्शक हैं उनका हाथ हमेशा दूसरों को दुआएं देने में ऊपर उठता है, मुझे पता है हमारे साथ ऐसे ही लोग होंगे। जो हमारा ये चैनल है, इसकी एक इंटीग्रिटी है, इसको आप छोटे बच्चे के साथ भी बैठ के देख सकते हैं, और आपको इसमें वो जानकारी मिलेगी जो मैं एक छोटा मोटा व्यक्ति हूँ, बहुत गरीबी से आगे बढ़ा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आज मैं खरीद सकता हूँ 2000 की इस तरह की चीज़ें, मान लो अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए 2000 का मैं इस तरह का साफ करने वाली चीज़ खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं कभी खरीदूँगा नहीं, ना मैं खरीदना चाहता हूँ, ना कभी मैं खरीदूँगा, क्योंकि मैं ये जान रहा हूँ कि 5000 रुपये आज भी एक महीने किसी की तनख्वाह होती है किसी इंस्टीट्यूशन में काम करने की, तो मैं 2000 रुपये नाखून साफ करने के लिए नहीं खर्च करूँगा। और लोग करते हैं, जिनके पास बोरों में पैसा आ रहा वो करते हैं, तो वो करें, लेकिन हम आप जो मिडिल क्लास के लोग हैं, यह चैनल आपको ही समर्पित है, यह चैनल मुझको समर्पित है, यह चैनल इस समाज को समर्पित है जो हमारा मिडिल क्लास है। बड़े लोगों की छोड़ दीजिए, बड़े लोग, कुछ लोगों में दिल होता है, बाकी मैं दिल देखा नहीं किसी में बहुत ज़्यादा। बहरहाल, तो ये नेल वाइटनर का ये बड़ा अच्छा नुस्खा है, इसको आप करिएंगे तो आप पाएंगे कि आपको फ़ायदा होगा।
और मैं यहाँ यह भी बता दूँ साथियों, मेरा ये मानना है कि अगला जो गृह युद्ध इस देश में होगा, भारत देश में, वह गरीब अमीर का ही होगा। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो अगला सिविल वार इस देश का होगा कभी, वैसे तो भगवान ना करे हो, तो वो गरीब और अमीर के बीच में होगा। इस देश में रोज आत्महत्याएं हो रही हैं और गरीबी को लेके हो रही हैं। लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं, लोग अपने, और ये आज से नहीं चला आ रहा है, पता नहीं एक बदकिस्मती इस देश की, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से चीन कहाँ पहुँच गया, जापान कहाँ पहुँच गया, ये लोग इसी टाइम पे विकसित हुए थे, आज कहाँ है और भारत देश कहाँ है। तो हमें अच्छे की कामना करनी चाहिए और इस समाज में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो साथियों, यह नुस्खा है, छोटी सी बात है, लेकिन आपके नाखूनों को चमकाने में मदद जरूर करेगी। आप इस नुस्खे को करिए साथियों, और कमेंट पोर्शन में हमको लिख के बताइए आपको यह नुस्खा इस्तेमाल करने पे कैसा महसूस हुआ। और अगर आपको रिजल्ट मिले साथियों, मैं यूँ नहीं कहता आप शेयर करिए, अगर आपको रिजल्ट मिले तो अपने अन्य साथियों, परिवार और इष्ट मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिए और इस मानवता के संदेश को आगे बढ़ाइए। आप हमारे साथ इतनी देर रहे, और साथ रहने का मतलब यह है आपने हम पे भरोसा कराया, आप हमें अपना समझते हैं, तभी हमारे साथ रहते हैं। इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।